सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो एंड आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हंस मैं इसलिए रही क्योंकि नितिन मेरे साइड में है। नितिन के आगे मुझसे नहीं बोला जाता। अच्छा, मैं डरती हूँ नितिन से। ओहो, मुझसे डरता भी है कोई? तो गाइस, आज है हमारी एनिवर्सरी। थैंक यू आप सबको गाइस। यही दिक्कत है, मतलब मेरी बात काट दो तो खुद बना लो आप। बोल। तो गाइस, आज हमारी एनिवर्सरी है एंड थैंक यू सो मच आप सबने जिन्होंने टैग किया, स्टोरी डाली और दिल से मैं विश किया, घर वालों को भी, बाहर वालों को भी, सबको। और अभी फिलहाल शाम के बज रहे हैं 8। सुबह से हमने कुछ ऐसा नहीं किया क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है इंस्टाग्राम का। थोड़ी सी वो भड़क दिमाग में चल रही थी, बट थोड़ी बहुत होप है कि वो वापस आ जाएगा। आप लोग प्रे करना। अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। एंड मैंने अपने नेल्स भी करा लिए थे, ये देखो कितने प्रिटी लग रहे हैं। और ये मेरी मेहंदी। नितिन का नेम दिखाती हूँ मैं आपको, NITIN। कैसे लगी नितिन आपको मेरी मेहंदी? बहुत अच्छी। अभी मैं दिखा, मैं रेडी हो गया। मुंह दिखाया बस, लड़कियों से भी ज्यादा ड्रामे आपके। तो मैं ये बोल रही थी गाइस, अभी हम जा रहे हैं घूमने और ये व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, बस नितिन और मैं ही दिखने वाले हैं आपको। तो एंजॉय करना, हमने एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करी वो भी देखना। सो गाइस, फाइनली मैं हो गया हूं रेडी, अपना ठीक ठाक सा, बढ़िया सा। और ये देखो, ये देखो रेडी होते होते अच्छा लग रहा हूं ना, कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लग रहा हूं। और तुम्हारी तो बात ही अलग है, इसका मुंह तो गुस्सा वाला हो रखा है। कोई बात नहीं डेंजल, एक साल हो गया तुम्हें गुस्सा गुस्सा करता करता है। देखो अब थोड़ा सा शांत हो जाओ। तुम्हें भी एक साल हो गया गलतियां करते करते, सुधर जाओ भी। लड़की की गलती हमेशा रहती है, हमेशा याद रखना। और लड़कियां गुस्सा हमेशा करती है, एक बात याद रखना। अच्छा गाइज, आउटफिट बता देना मेरा। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने। कहाँ जा रहे हैं देखते रहो, देखते रहो, चलते रहते हैं। और लेट हो गए हम भाई, भाई हो तो ऐसा। और अब वो मेरे देर से फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं, पहले यू कर लिया, पहले स्टार्ट कर दे तभी तो दूंगा। ये ले टोपी, टोपी खा लो, दोनों के लिए टोपी है भाई। हमारे लिए गिफ्ट दिया है भाई, भाभी दोनों ने। चलो देख लेते हैं क्या है। पप्पी लड़ी नहीं बने तुम्हारे? बनने तो है, थोड़े से बने बस, आज कम बने। वो सिर्फ शादियों के लिए होता है इतना ओवर। तो चलो गेस तो कर लो क्या होगा इसमें, मुझे कुछ अंदाजा भी नहीं भाई, 1% भी। तुम कर लो क्या बता तुम्हारा काम है। मुझे इसमें घड़ी लग रही है, ऐसे फटती है। क्या है, घड़ी है ना? देखा, मैं हमेशा राइट होती हूँ। बहुत अच्छी लग रही यार, ये तो सुंदर लग रही है, सुंदर। गायर? अच्छा, आप इसलिए आज गायब थे पूरे दिन से? नहीं नहीं, ये तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। अच्छा अच्छा, पहले ऑर्डर कर दी थी, बहुत सुंदर, तैयारी करके रखते हैं। सो गाइस, ये मुझे पता नहीं कहाँ पे लेके आ गई, सच बताऊं तो मेट्रो वॉक, पता नहीं कहाँ लेके आई, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। बस ये बोल रही थी कि मुझे आपको सरप्राइज देना है, बस मैं ऐसे बोल जा रहा था, आगे देखते रहना देखते रहना। पता नहीं कहाँ रोहिणी में लेके आई है, मुझे इतना पता है, बट मुझे पता नहीं कहाँ लेके आई है। ये देखो मेरा फोन भी गिर जाता, बचा लो इसे। अभी देखो आगे क्या है, बताते हैं, दिखाते हैं। गाइस ये लोकेशन, बट ये पार्किंग साइट है। अभी क्या लग रहा है आपको, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम कहाँ लेके आ रहे हो। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, बट मैंने कुछ प्लान करा आपके लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लान करा भाई, मैं बताता हूँ, उसने मुझे ऐसा बोला था कि चलो बाहर कहीं खा पी के आते हैं। मैंने अच्छी जगह देखी ऐसे नॉर्मली, मुझे लगा आसपास होगा। रोहिणी में, रोहिणी में हम चल लेंगे। इतनी दूर लेके आ गई वहां से, हमारे पटेल लंगर से रोहिणी। मेरा मुंह दिखाते दिख रहा है? मेरा मुंह रोहिणी में लेके आई है। अब रोहिणी में पता नहीं कहाँ है, क्या है ये। गाइस आपको, आपको क्या लगता है मैंने नितिन के लिए क्या प्लान किया होगा? भाई ये एडवेंचर आईलैंड सुनो तो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? एडवेंचर आईलैंड आ गए आप? इधर रोहिणी के एडवेंचर आईलैंड में आ गए भाई हम। मुझे समझ में आ गया, पता नहीं। अरे वाह, तुम आए हो यहाँ? यहाँ तो सब कुछ है। अच्छा अच्छा भाई, गाइस देखो, ये देखो आप, ये देखो क्या। अरे कहाँ पीछे पीछे भगा रहे हो मुझे, मुझे बता दो लेके कहाँ जा रहे हो? रनवे वन। रनवे वन, ये क्या है? आप शॉपिंग करा दो, कर ले यार। आज आज जो तू बोलेगी वो ले ले गाइस। ये देखो शॉपिंग करो आप, बढ़िया बढ़िया है? नहीं नहीं, अभी मेरे बाल ठीक ठाक हो रखे हैं भाई। ये कहाँ लेके आ गई मुझे तू? ये देखो गाइस, बहुत बढ़िया, रनवे वन। वो देखो एरोप्लेन, सब कुछ कर सकते हो। पर मुझे शॉपिंग कराने लेके आई, कहाँ लेके आई? ठंड लग रही मुझे तो। सरप्राइज। क्या सरप्राइज है भाई? तो भाई अब एंट्रेंस पे आ गए हम,
चलो 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 इसके अब आप रेडी हो, पहुंच चुके हम। मैं तो रेडी हूँ, पास दिला रहे तुमने मुझे, पता नहीं क्या क्या। सबसे पहले ये पकड़ो। हैप्पी एनिवर्सरी। चलो बेबी आज तुम लेके चलो, आ जाओ। अरे ऐसे ठीक है, आओ जल्दी आओ। ब्यूटीफुल सी लोकेशन, ये व्लॉग में तो पता नहीं डाली, मैं व्लॉग में रील भी डाल दूंगा। थैंक यू बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी आपको भी। और ये देखो, अबे यार तुमने अंदर कर दिए, टेडी बेयर लग रहे हैं ये। वहाँ टेडी बेयर थोड़ा थक गया, बट ये देखो लव यू सब यहाँ पे हमारे साथ आगे फोटोज खिंचवा रहे हैं। वो देखो ऊपर एरोप्लेन है, अभी तो ऊपर भी सरप्राइज है आपके लिए। ऊपर भी सरप्राइज है, ये छोटा सा था। गाइस आसपास इतना पानी पानी है यहाँ पे ना, बहुत ठंड भी लग रही है ना। ये तो गाइस ये हो रही है स्नोफॉल नितिन के लिए। वहाँ जाओ बीच में जल्दी, अंदर से ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। सुंदर लग रही है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये आई लव यू आपके लिए। थैंक यू सो मच बेबी। गाइस रियल में बहुत सुंदर लग रहा है, सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। सो गाइस ये था हमारा सेटअप, आई लव यू। भाई साहब सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थोड़ी सी वहाँ तो पीछे लिखा आई लव यू, पर मैं तुम्हें दिल से आई लव यू। थोड़ी सी बस वीडियो फोटोज थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि हमारे कोई था नहीं हमारे टाइप की फोटो, पर कोई ना हमने पूरी कोशिश करी है, कुछ वीडियो बनाई है, कुछ सब कुछ किया है हम दोनों यहाँ बस। और हम किसी को कैसे लगा? देखो बहुत अच्छा लगा, चलो बताओ तो मैं बहुत ज्यादा अंदर रियल से में बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर चलो, ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर एक और चीज दिखाते हैं। और तो भाई अभी लेके आई है ऊपर, ये देखो पूरा का पूरा एरोप्लेन, और देखो ये पूरा का पूरा पानी। मेरा फोन गया तो समझो गया, क्या दूं पास, ये लो पास, चलो अंदर। अरे 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 चलो चलो। सो गाइस ये है प्रॉपर लोकेशन हमारी, और बहुत सुंदर लग रही है जो कि, और हमारा कोई बनाने का प्लान नहीं था क्योंकि मेरी आईडी सस्पेंड हो गई थी, तो उस वजह से हम बहुत पहले ऑलरेडी दुखी थे। गाइस हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और नरेंद्र सिंह अभी आए हैं। और कैसा लग रहा है नितिन आपको पूरा सेटअप? लिटरली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप और मैं हैं। मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपकी वजह से। नेक्स्ट टाइम मेरी बारी है, ठीक है? नहीं आप हर बार मेरे लिए करते हो, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार नरेंद्र सिंह के लिए कुछ किया जाए। ये लो यार सच में ना बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत बहारों फूल बरसा मेरा बच्चा उल्टा मेरा मैं बस इसका सांस नहीं आती। यहाँ पे भी लड़ाई करूँ, सारे फूल डाल दिए। आपने दिखा दिए सबको यहाँ पे ऊपर से है, दिखाया कब दिखाया? दिखाया ना दिखाया। हाँ। पियो तो गाइस देखो अभी ऑर्डर किया हमने, जैसा भी आता है बहुत कुछ। दो जने हिसाब से कर तो लिया। सो गाइस फर्स्ट हमारी नूडल्स, मेरा कोल्ड कॉफी और इनकी किटकैट शेक आ चुकी है और मुझे बहुत टेस्टी लगी है, बहुत ज्यादा। मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा। चीयर्स करो। चीयर्स गाइस, इसको इग्नोर करो, हल्का फुल्की चीज है। और ये क्या है? गार्लिक ब्रेड। ओके चलो। सो गाइस वो दुनिया के लिए चांद और ये मेरा चांद, देखो हुक्का पी रहा है मेरा चांद। ये सिर्फ नॉर्मल है यार, फ्लेवर वाला कभी पार्टी वार्टी में चल जाता है। और का डेली तो पी भी नहीं सकते आप वैसे भी। देखा से यार कहाँ पीता हूँ। ये गाइस देखो समझ गया आप, ये दुनिया के लिए चांद है बट मेरे लिए ये है, बट कभी कभी मैं अपने चांद को पेलती हूँ। ठंडे आते तुम्हारे, वो ठंड लग रही यार। सो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें ना पिज्जा खा लिया, नूडल्स थोड़े से खाए क्योंकि वो स्पाइसी है, गार्लिक ब्रेड खा लिए और मेरा शेक पूरा मम हो गया। नितिन का तो अभी पूरा ऐसे कैसे रखा हुआ है, पी लो ना। रखा हुआ है ये मैंने पिया इतना भी। और गाइस अब बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब दोनों हम अकेले है, कोई भी नहीं हमारे आगे पीछे, और म्यूजिक चल रहा है पीछे से भी थोड़ा बंद हुआ है बीच में। और अभी हमारी केक कटिंग भी बाकी है,
कोई एक्साइटमेंट नहीं है। क्या सोच रहे अब बताओ, क्या सोच रहे थे आप? आप कुछ सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि तुम मेरे दिखा दो, देख उधर देख, ओके में देख, ओके में मैं सोच रहा था ये दिखा दूं। कितना डीप सोचते तुम तो यार। मैं गहराई में चीज ज्यादा सोचता हूं, चाहे दुख हो या प्यार, गहराई में चले जाता हूं बस। सो गाइस हमारा मेन कोर्स आ गया है और डाल रही है माय क्यूटी वाइफ, कैंसिल कर दी दाल मखनी वगैरह की। मैं सोचा यार मेरा पेट तो चाइनीज से इतना भर जाएगा, मैं कहा ये चाप ही बहुत। और अभी भी बच गई चाइनीज वगैरह। अब क्या क्या है बताओ? फुल रखी है चाउमीन तो कढ़ाई नहीं नहीं कौन सी चाप बताई थी उन्होंने? कढ़ाई चाप, ये कढ़ाई चाप है और रोटी है मेन कोर्स। आए भी एक दो चीज हो रहेंगे ना, किटकैट शेक हमने और दो आरा कर लिए। मेरा भर का पेट है, इसका दिखा दूं, इसका अभी तक नहीं भरा। क्या मंगा लिया? फ्राइड राइस। मेरा वेट क्या है? ये देखो फ्राइड राइस। वेट क्या मतलब? मैंने वो नहीं खाया ना, चाप वगैरह। अच्छा मुझे लगा पूछ रहे हो मेरा वेट क्या है, आपने पूछा ऐसे? क्या पता आपको? ज्यादा मत बोला करो। मुझे नहीं पता। मैं शपथ प्रण लेती हूँ, ये हो गया बर्थडे पे लास्ट खा लूंगी, बट कल से आई एम गोइंग जिम नितिन के साथ डेली वर्कआउट। कल तो नहीं जा पाएंगे, कल संडे है। परसों से डेली जिम वर्कआउट और घर पे सीढ़ियाँ, हमारी ना बहुत खड़ी सीढ़ियाँ है, जिनके टारगेट बनाऊंगी इतनी सीढ़ी चढ़ूंगी ऊपर नीचे। अच्छा ठीक है, और एक्टिव रहूंगी और दो महीने में वेट लूज करूंगी। तो गाइस बारी अभी केक की, मिकी मास्टर आ चुके। हेलो हेलो, अभी केक काटते, केक खाएंगे। ओके तो गाइस हमारी बारी केक काटने की। मैं फीडबैक दे रही हूँ। फीडबैक और ये डाल रही टिप। ओके ये हमारा बाकी तो सारा वो था, मतलब हमने वो बुक किया था ना, पैकेज बुक किया था। हाँ जी। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, जो एक लड़की है यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो उनके लिए। तो गाइस ये था हमारा टेरिस, हम जा रहे हैं यहाँ से, बाय बाय। तो गाइस शॉल वगैरह ओढ़ लिया क्योंकि ठंड बहुत है। मैं अपने बेचारे बेबी के लिए नहीं ला पाई शॉल, आप मेरे लिए लेना। ठीक है ठीक है। और गाइस हमने केक और ये तो हमने हमारे था। मेरे को शू बाइटिंग कितनी ज्यादा हो गई है, मेरे पैर कट रहे हैं। नहीं नहीं पहन रहे थे ना तो छोटे हो गए, ऊपर आ गई ये हमारी, ऊपर भी आ गई है। चलो बैठो। तो गाइस हम उतर गए और आपको एक खतरनाक सी चीज दिखा देता हूँ मैं। ये देखो नंगे पैर चल रही, नए जूते पहने आज, क्या हो गया इसमें? यार ये मेरे को निश्चल ने गिफ्ट करे थे, मैं इसके अंदर सॉक्स ही पहन के आई जल्दी में, और मेरे को पीछे से काट रहे, थोड़ा सा काटा बिल्कुल। एक तो ये देखो, ये देखो दिख तो रहा नहीं है कहाँ पे, दिख रहा है दुख रहा है क्योंकि इस पैर में ना सबसे मेन का सूजन है। नहीं नहीं सूजन है तो काटेगा ही, वो पैर थोड़ा मोटा हो रखा है, रखा है तो पैर इसमें दब रहा है मेरा बहुत सूजन की वजह से। तुम बात कर रहे हो इनके आवाज में, रहने दो ऊपर से ऑस्कर दिख जाएगा। किस से बोल रहा है अभी ऊपर ऑस्कर देख, कितने सारे आगे बस बस। अरे 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 गंदे कर दिया।